संगत जी अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते वीडियो नूं शेयर करियो, लाइक ते कमेंट भी करियो। कुछ खास गल्लां, कुछ बेनतियां तुहाडे चरणां दे विच मैं करनियां ने तुहाडा दास बन के। सो सारिआं दा धन्नवाद है। सो सारे जाने पहलां ते फतेह बुलाओ, आपां आरंभता करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज खास गल्लां जिहड़ियां करनियां चाहुंदे आ आपां। 2 साल दे विच सिद्धू मूसेवाले दे घर दोबारा मापिआं नूं मिलूगा सिद्धू दोबारा। लखां लोकां ने अरदासां कीतीआं ने, दरअसल कारण की रहे होणगे। उहदे माँ बाप नाल जदों गल कीती ना, उहनां दा कहिणा सी कि कदे सिद्धू साडे तों बाहर नहीं सी गिआ। वह नौजवान माँ बाप का इन्ना सत्कार करता सी, वह नौजवान अपने माँ बाप नूं इन्ना प्यार करता सी। दरअसल उहदा जाणा जिथे दुनिया नूं घाटा पा के गया ना, उहदा जाणा उहदे माँ बाप नूं सब तों वड्डा घाटा पा के गया। मैं अज ही देख रहा सी, साडा एक नौजवान आ जिहड़ा कि न्यूजीलैंड दे विच है, उत्थे स्क्रीन सिक्योरा दे उपर उहदे गाने वज रहे ने, उहदियां फोटोआं चल रहीआं ने। उहनूं शरधांजली वजों मतलब कि सारा प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया गया सी, कल होया है। सो दुनिया दे विच नाम गूंजदा उस नौजवान दा। आम जे घर दे विचों उठिआ, एक आम जे घर दी पुदाइश, उह बच्चा एडा वड्डा नाम कमा गया। बाहरले देशां दे लोक शरधांजलियां दे रहे ने। मैं कहना अमरीका तक दे लोक पहुँच गए उहनूं प्यार करन वाले, उहदे अंतम अरदास दे विच शामिल होए ने आके, ते बहुत वड्डी गल है इह। ते लखां लोक जिहड़े पहुँचे ने, उन्होंने अरदासां कीतीआं ने। सिद्धू दे माँ बाप दा कहिणा कि उह बच्चा कदे साडे तों बाहर नहीं सी गिआ, साडे नाल इन्ना प्यार कीता, पर दरअसल वह जिन्ना प्यार सानू कर गया, जिन्ना प्यार सानू दे गया, ते जिन्ना प्यार असीं उहनूं कर लिया, शायद दुगणा कर लिया, ते परमात्मा ने साडे तों खोह लिया। इन्ना कोई लिखिआ सी सारी जिंदगी वास्ते, परमात्मा ने लिखिआ नहीं सी। इह गल सुण के ना अखां भर आईआं। ते लखां लोक जिथे पहुँचे ना, उन्हां लोकां ने अरदास कीती। एक मैं गल करदिआं संगत जी, शायद तुसीं पढ़िया भी होगा, बड़ी पुरानी खबर है। अमृतसर दा एक जोड़ा सी जिन्हां दे घरे 65 साल की उम्र दे विच बच्चा होया। पहला बच्चा नहीं सी होया, 65 साल की उम्र दे विच जाके घर दे विच बच्चा होया सी। 65 साल बाद एक रिटायर टीचर जिहड़ा सी भवानीगढ़ तों गए सी, शायद उत्थे मूसेवाले दे भोग ते उहनां नाल गल्लबात कीती। मैं उहनां दे विचार सुने ते उह कहिंदे कि मैं 64 साल की मेरी उम्र है, 9.5 महीने का मेरा बच्चा हुण मेरे घर होया, पहला कोई औलाद नहीं है। मैं करिश्मा, परमात्मा का करिश्मा होया, ये बिल्कुल करिश्मा, परमात्मा का चमत्कार कह लो, सतगुरु की कृपा कह लो, सतगुरु की रहमत कह लो, ये हुई है। बड़ी बड़ी घट लोगों पर होंदा ये गलबात, बड़ी घट लोगों पर होंदी है इहो जी सिख्या जिहड़ी है। बड़े घट लोग नसीब वाले होंदे ने जिन्हां दे नसीबां दे विच अजिहा हो जाए। को लोगों ने उत्थे अरदास कीती है, सिद्धू दे माँ प्यो की कोई ज़्यादा उम्र नहीं अजे, 50-55 की उम्र आ। लखां लोगों ने अरदास कीती है कि दोबारा इन्हां नूं पुत मिल जाए, उही सिद्धू, परमात्मा चमत्कार करे, असी अरदास बनते हैं, उही पुत दोबारा जन्म लै लवे इन्हां दे घरे, उही पुत दोबारा आ जाए। तो सानू इस गल दे नाल बिल्कुल बड़ी खुशी होगी, तो परमात्मा जे इहो जिहा चमत्कार कर दे। तो मैं एक बार सोचा कि जरूर अजिहा हो जाए ना, तो उहदी माँ की गोदी जिहड़ी आ ना सुन्नी पई है, वह बिल्कुल उहदी माँ की गोदी जिहड़ी आ भर जाऊगी, उहदी माँ की कुख सुन्नी हो गई, आने वाली औलाद जिहड़ी आ इहो जी होवे जिहड़ी दोबारा सिद्धू वर्गी होवे, अपने माँ बाप नूं ना प्यार करन वाली होवे, भावें दुनिया दे विच नाम अपना ना ही बनावे, पर इहो जी औलाद होवे जिहड़ी अपने माँ बाप नूं सांभले, इहो जी औलाद होवे जिहड़ी अपने माँ बाप नूं उहदे वांगू प्यार करे, उहदी कमी कदे ना महसूस होण देवे, इहो जी औलाद घर च दोबारा जन्म लै लवे। बहुत वड्डी गल है, वैसे तो यह परमात्मा दे हाथ दे विच है, उहनूं पता है भी करना है उन्हें जां नहीं करना। वह कहें वजीदा कौन आखे साहिब नूं इंज नहीं इंज कर, कहें उन्हूं कौन समझाउण वाला है कि भाई ये फैसला गलत हो गया, तू इदां नहीं इदां करना सी, उहदे हाथ दे विच है, वह गलत करे वह चाहे सही करे, उहनूं आपां कह नहीं सकते कि तू गलत करता, तू ये माड़ा करता, क्योंकि जो करता वह चंगे वास्ते करता, यह कोई पता नहीं हुंदा।
हो सकता किसी नवे की बिद बननी हो सकता है कोई अजिहियां चीज़ां सामने आनिया आन एक कोई पता नहीं हुंदा। मैं तो एको बेनती करनी चाहना कि संगत जी अरदास करो कि उन्हां दे घरे दोबारा सिद्धू जन्म लै लवे, उन्हां माँ बाप का वडेपा रलन तो बच जाएगा। दरअसल अज उहदे जाण तो बाद उहदे माँ पा इन्ने कु डाउन हो गए ने, शायद ही वह बुढ़ेपे वल नूं ज़्यादा जाणगे, हुण जिउण दी आस छड चुके ने। जिउणगे तां किहदे आसरे, पहलां तो आस सी भाई साडा मुंडा आएगा साडा बच्चा आएगा, पर हुण जिउणगे तां किहदे आसरे, जिउणगे तां किहदे लई। दरअसल ये तो सारी दुनिया ही उजड़ गई, उन्हां दी दुनिया ही जिहड़ी सी आबाद होण तो पहले ही उजड़ गई। इहो जिहियां गल्लां सानू जड़ियां ने जरूर सोचनिया पैणगियां, परमात्मा ना करे कदे किसी ते इहो जिहा वक्त पए। इस करके मैं वार वार बेनतियां करदा हुन्ना नौजवानां नूं जिहड़े कि इहो जिहियां इंडस्ट्री दे विच गल्लां सिखदे ने, मार देंगे चक देंगे फिल्मां तों वेखदे ने, ये कर देंगे वह करदे ने, पर असल दे विच रीयल जिंदगी दे विच करोंगे तो याद रखियो अपनी जान तो हथ धो बैठोंगे, अपने माँ बाप का सहारा जिहड़ा है सदा लई गवा बैठोंगे। अपने रोल मॉडल कौन ने? अपने तो बाबा दीप सिंह ने, बाबा जुझार सिंह वर्गे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वर्गे ने भाई। इस करके इन्हां लोकां दे हत्थां विच ना जाया करो, गलत हत्थां विच ना जाया करो। हुण देखो अज दी जे गल करिए कि उस मुंडे ने इन्ना नाम कमाया पर अपने सिर तो पग नहीं तारी, अपने केस कतल नहीं करवाए, अपने माँ बाप का सत्कार करना नहीं भुलिया, बाहर नहीं गया, कहिंदा रहना तो थोड़े कोल ही रहना, मैं तुहानू छड्ड के नहीं जाना। जे चाहुंदा तो जा भी सकदा सी, जे चाहुंदा चलिया जांदा, पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? अपने लोकां नाल प्यार सी, अपने पिंड नाल प्यार सी उसनूं, इस करके नहीं गया। वह नहीं चलिया जांदा कोई गल सी उहदे वास्ते। तो मैं बेनती करदा कि भाई अरदास करियो उस बिछड़ी हुई रूह नूं, परमात्मा अपने चरणा च निवास देवे, उस बिछड़ी हुई रूह नूं परमात्मा संभाल लवे ते उहदे माँ बाप नूं जिउण दा सहारा दे दे। परमात्मा इहो जी कोई करामात करे, सतगुरु कोई इहो जी खेड खेडे जिहदे नाल उहनां दे घर दे विच उहनां दा सहारा मिल जाए। परमात्मा जिवें उहनां लोकां नूं खुशियां दित्तियां ने जिवें 65 साल की उम्र दे विच शायद इहदे माँ बाप ते वी इहो जी मेहर कर दे, इहनां नूं कोई पुत्तर दे दे, कोई एहो जी धी दे दे जिहदे सहारे जिंदगी कढ लैण, जिहदे सहारे जिंदगी दे विच अगे वध जाण। पर बहुता ज़्यादा ये गल है कि उन्हां नूं औलाद का दुख जिहड़ा है महसूस ना होवे, बस ये गल जिहड़ी है सब तो वड्डी हुंदी है। माँ बाप लई औलाद सब तो वड्डा गहना हुंदी है, अज उन्हां दा उही गहना छिनिया गया जिस ते बहुत वड्डा दुख हुंदा है। इस करके समझण दी लोड़ है भाई, समझण दी समझदारी दी लोड़ है। सो जरूर समझो, बेनतियां करियो, अरदासां करियो, सतगुरु हो सकदा है संगत दी अरदास ही प्रवान कर लैण। सारे संगत बन के अरदास करियो, बेनतियां करो प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।